नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक और से स्वागत करता हूं आपका टेक मोटर्स की आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरानी एटियोस क्रॉस की, टोयोटा एटियोस क्रॉस की हम बात करने वाले हैं। काफ़ी अमेजिंग ये गाड़ी है, मेरे को जो इसे चलाने का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी मेरे को फील हुई ये गाड़ी चलाने में। और मैंने तब जाकर सोचा कि क्यों टोयोटा को केवल आदमी ज़्यादातर इनोवा और फॉर्चुनर के नाम से ही जानता है, क्योंकि वाकई में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट कह सकते हैं क्वालिटी टोयोटा देती है, और रिलायबिलिटी के लिए तो टोयोटा पूरे वर्ल्ड में जानी ही जाती है। तो अभी ये आप जो देख रहे हैं ये है 2014 का मॉडल, और ये जी वर्जन है, जी मॉडल है टोयोटा एटियोस क्रॉस का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए टेक एंड मोटर्स को, ऑटोमोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पाते रहने के लिए। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्रंट लुक से मैं इसकी बात करना चाहूँगा, तो फ्रंट लुक मेरे को पर्सनली, लुक्स वेरी कर सकते हैं, मेरे को पर्सनली फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि मस्कुलर ग्रिल वगैरह की डिज़ाइन दी गई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अलग से लोग इस पर बुलगार्ड वगैरह लगवाते हैं गाड़ियों पर, लेकिन इसमें उसकी ज़रूरत फील नहीं होती है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना भी किया हुआ है और वो सेफ भी नहीं है अलग से बुलगार्ड स्टील वाला लगवाना, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेटर पड़ता है आपके लिए। तो दोस्तों, इंजन की मैं बात करूं तो इंजन आपको मिलता है 1197 सीसी का। इसमें जो फोर सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल इंजन है ये, जिसके अगर मैं पावर की बात करूं तो 79 bhp की पावर 5600 rpm पर जनरेट करता है और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 3100 rpm पर। और कंपनी क्लेम करती है 17.71 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, लेकिन लगभग 15 के लगभग का ये आराम से दे देती है। और पावर फिगर काफ़ी ठीक है, जो पावर और टॉर्क का फिगर है इसमें, क्योंकि 3895 mm की इसकी लेंथ है और 1735 mm की है इसकी विथ। हाइट आपको 1555 mm मिलेगी इसमें, व्हील बेस 2460 mm, और इसी के साथ 174 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और ओवरऑल मैं गाड़ी के वेट की बात करूं तो कर्व वेट आपको इसमें मिलता है 935 किलोग्राम का। इसी के साथ साथ ये यहाँ पर जो हेडलैम्प्स हैं वो आपको मिलेंगे कन्वेंशनल, नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं इसमें। ऊपर की तरफ मैं आऊं तो आपको मिलता है यहाँ पर सिंगल वाइपर का ऑप्शन है। मुझे नहीं पता कि लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में, लेकिन डुअल होता तो शायद बेटर और हो सकता था, लेकिन काफ़ी बड़ा इस पर वाइपर दिया गया है जो पूरा कवर कर लेता है विंडशील्ड को एक बार में, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर को ये कवर नहीं कर पाता है, केवल इतना कवरिंग इस पर आ पाती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल गुड। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं जो एक बार फिर एक ऑफ रोडिंग लुक आपको प्रोवाइड कराती हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक लुक प्रोवाइड कराती हैं, रफ लुक आपको प्रोवाइड कराती हैं। इसी के साथ आपको सिंपल यहाँ पर एंटीना मिलता है, कोई भी शार्क फिन एंटीना यहाँ पर नहीं दिया गया है। गाड़ी में अगर मैं साइड से बात करूँ तो पूरी तरीके से मस्कुलर बनाने की कोशिश की है टोयोटा ने, और साइड में आपको मिल जाएगी क्लैडिंग ब्लैक कलर की, एटियोस क्रॉस पीछे ब्रांडिंग मिलेगी उस पर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक्स आपको लग सकते हैं अगर आपको मस्कुलर गाड़ियाँ पसंद हैं। ORVMs आपको बॉडी कलर मिलेंगे प्लस ब्लैक मिलेंगे, इंडिकेटर्स जो हैं साइड इंडिकेटर्स वो आपको ORVMs पर मिलेंगे, साइड में नहीं मिलेंगे, जो कि आजकल ज़्यादातर होने लगा है, ट्रेंड में आने लगा है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर 15 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स हैं ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही साइज़ है जो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अर्टिगा जितनी बड़ी गाड़ी में भी 15 इंच के ही पहिए दिए गए हैं, उसके हिसाब से इस गाड़ी में 15 इंच काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नंबर है 15 इंच। और इसके साथ पीछे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पीछे मिलता है स्पॉइलर जो कि बॉडी कलर्ड है, उसके नीचे ब्लैक क्लैडिंग की मिक्सिंग दी गई है। इसके बाद यहाँ पर ब्रेक लैंप और यहाँ पर डिफॉगर मिल जाते हैं आपको, और इसी के साथ यहाँ पर मिल जाता है आपको रियर वाइपर भी। उसके नीचे मैं आऊँ तो यहाँ पर जो मॉडल है उसकी बैजिंग मिल जाती है, टोयोटा का लोगो उसके नीचे, एटियोस क्रॉस की बैजिंग बीच में दी गई है। यहाँ भी भरपूर क्लैडिंग का यूज़ किया गया है, रफ लुक टोटली दिया गया है। उससे नीचे आपको ब्लैक प्लस सिल्वर कलर का बम्पर मिलता है पीछे की तरफ, और यहाँ पर आपको इसके नीचे मिलती है नंबर प्लेट, और कन्वेंशनल है इसमें टेल लैंप्स और इंडिकेटर वगैरह सभी। अभी दोस्तों, ओवरऑल लुक की तो बात हो चुकी है, बाहर से कैसी लगी और आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें। और इसी के साथ साथ अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। फ़िलहाल इधर बता दूं कि जो
आपके डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर मिलेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर आपको पेट्रोल का लिड मिलेगा। पेट्रोल में है ये गाड़ी 1200 सीसी में। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। फ़िलहाल हम पीछे की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जाएंगे आगे। तो अभी ये मैं लॉक खोलता हूँ और इसके साथ ओपन हुआ लॉक। और सबसे पहले डोर की बात कर लेते हैं, और आई थिंक लाइट थोड़ी सी कम मिल रही होगी आपको, उसके लिए आई एम सॉरी। थोड़ा शाम के टाइम ये शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 लीटर की बॉटल इजीली आप यहाँ पर प्लेस कर पाएंगे। थोड़ा टफ पड़ सकता है लेकिन आ जाएगी, लेकिन 1/2 लीटर की बॉटल आप इजीली रख सकते हैं। यहाँ ग्रैब हैंडल मिलता है और यहाँ विंडो के कंट्रोल मिलते हैं। इसके साथ ही मैं अब चलूँगा अंदर की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं लगेगा आपको इसमें अंदर चढ़ना, इजीली आप इसमें अंदर जा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अगर अंदर पहुंचूं तो आगे वाली जो सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, उसके बावजूद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ लेग रूम बच रहा है। उसके साथ साथ ही हेड रूम भी मेरे को प्लेंटी हेड रूम मिल रहा है यहाँ पर। कंप्लेन वाला कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आएगा। इसी के साथ सीट की मैं बात करूँ तो ठीक है, कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। यहाँ पर कोई भी रियर टनल नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी इजी पड़ता है तीसरे बंदे के लिए भी यहाँ पर बैठना। पीछे भी 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं, बीच में हेडरेस्ट का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता है। अब चलते हैं आगे की तरफ और आगे देख लेते हैं आपको इसमें क्या क्या मिल जाता है। तो आगे ये हम आ चुके हैं, काफ़ी इजी पड़ रहा है हमें यहाँ पर। और फिलहाल मैं कर लेता हूँ केबिन का लैंप ऑन। और इसी के साथ यहाँ मैं डोर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फाइबर में ही मिलेगा टोटली। यहाँ पर जो यूजली हैंडल्स आपको मिलते हैं और लॉक अनलॉक का बटन मिलता है वो मिलेगा आपको। ये ग्रैब हैंडल मिलेगा और इसके साथ यहाँ पर विंडो के कंट्रोल, ORVM जो है वो अंदर से एडजस्ट हो जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। उसके अलावा यहाँ आपको स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी स्टफ़ रखने के लिए और बोतल रखने के लिए जगह मिल जाती है, और यहाँ 1 लीटर की बोतल आ सकती है ईजीली। और दोस्तों इसी के साथ आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिल जाती है, आपको इसमें हाइट का एडजस्टमेंट मिल जाता है। डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो पियानो ब्लैक फिनिश के टच के साथ मिलता है। यहाँ भी आपको स्पीकर मिलते हैं डैशबोर्ड पर। इसी के साथ AC वेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक दे रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम बीच में मिलता है। AC वेंट यूजुअली आपको देखने को मिलेंगे के एक यहाँ और कोने कॉर्नर वाले तो कॉर्नर में मिलते ही हैं, लेकिन इसमें बीच वाले AC वेंट्स थोड़ा म्यूज़िक सिस्टम के साइड में प्लेस किए गए हैं, जो थोड़ा सा मेरे को अजीब ज़रूर लगा है। लेकिन कूलिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगा है ये। यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ मिलता है आपको म्यूज़िक सिस्टम। इसके अलावा बीच में मिल जाता है इसका आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो, और इसके बाद यहाँ पर लगाते हैं इसकी चाबी। ये लगाई मैंने इसकी चाबी, और यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेकिन ये मेरे को काफ़ी इजी लगता है देखने में। यहाँ इसकी रीच मेरे को काफ़ी ज़्यादा इजी लगती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्टीयरिंग आपको यहाँ इस मॉडल में खाली मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको हेडलैम्प और साइड इंडिकेटर्स के कंट्रोल, और यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे। दोस्तों इससे आगे बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, काफ़ी अलग तरीके से खुलता हुआ ग्लव बॉक्स यहाँ दिया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर जो है आप काफ़ी सारा स्टफ़ रख सकते हैं, लेकिन ये उतना चौड़ा नहीं है जितना ये गहरा है, काफ़ी ज़्यादा डीप है। AC वेंट यहाँ बीच में आता है, लेकिन उसके लिए भी एक कट दिया गया है, काफ़ी इजी पड़ता है। यहाँ मेरे को समझ में नहीं आया है कि यूजली आप क्या स्टफ़ रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जगह यहाँ दी गई है, वहाँ आपको स्पीकर मिलता है। कैबिन लाइट यहीं मिलती है। वैनिटी वो सन वाइज़र की मैं बात करूं तो यहाँ वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलता है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ ही इस जगह आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई लाइट नहीं मिलती है, और यहाँ पर टिकट होल्डर भी आपको नहीं मिलता है। इसके साथ ये IRVM जो कि ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअल डिमिंग आप कर सकते हैं इसे। और दोस्तों अंधेरा काफ़ी हो चुका है, इसलिए मेरे को मोबाइल की फ्लैश ऑन करके आपको दिखाना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाती है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, तो काफ़ी सही जगह प्लेस मैं मानूंगा इसे किया गया है। यहाँ से चार्जर आप
मोबाइल यहाँ रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल साथ रखते हैं उसके साथ कप होल्डर्स थोड़े दिक्कत वाला काम यहाँ पर मेरे को लग रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह दी गई है, पता नहीं है इसका अभी क्या यूज़ होगा, लेकिन बस जगह दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और ये हैंड ब्रेक काफ़ी सही साइज़ है, और पीछे के लिए आपको एक बॉटल होल्डर या कप होल्डर, जो भी आप इसे कहना चाहें कह सकते हैं, वो आपको मिल जाता है यहाँ पर। सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े से हार्ड आपको लग सकते हैं ये। तो अंदर कैबिन के बारे में तो मुझे लगता है कि सब कुछ कंप्लीट हो ही गया है, और ओवरऑल आपके क्या विचार हैं वो बताइए। खोल दिया है यहाँ, बूट को मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर पार्टीशन आपको मिलता ही है, और इसके अलावा मेरे को फ्लैश ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ स्टफ डले हुए हैं, काफ़ी सही साइज़ का बूट मिल जाता है। मेरे को एग्जैक्टली इसका साइज़ नहीं मालूम है, जो भी होगा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो बूट में तो बस इतना ही है, स्पेयर व्हील यहाँ नीचे इसमें प्लेस किया गया है। काफ़ी ज़्यादा सामान फ़िलहाल पड़ा हुआ है तो हम इसे नहीं छेड़ते हैं, स्पेयर व्हील इसके नीचे आपको मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मानता हूँ थोड़ा अंधेरा था, लेकिन यही टाइम मिला था हमें शाम का इसका रिव्यू करने के लिए। और इसी के साथ अगर आपको कुछ भी इसमें सजेशन है या कोई भी आपके सवाल हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, और आपके द्वारा पूछे गए सवालों के मैं हर संडे को कमेंट वाला सेशन में जवाब देता हूँ। इसलिए उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप किसी भी वीडियो की अपडेट को मिस ना करें। और अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। नमस्कार, धन्यवाद।